अभी मैं हूँ शिरडी में, जो कि है साईं बाबा की धरती। ये जो फूड पैकेट है इसमें क्या है? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गोप्रो उत्तम। तो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं शिरडी, शिरडी देवस्थान, और हम निकल पड़े हैं। अभी हम हैं समृद्धि हाईवे पे। तो अभी हम नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पर, और ये एक पेट्रोल पंप है और उसके साइड में ही और कैफे वगैरह है, तो यहीं पर आपको नाश्ता करना पड़ता है। ये समृद्धि हाईवे है, दूर दूर तक रेस्टोरेंट वगैरह नहीं मिलता है। फ्रेंड्स, हमने लाया है घर से भिंडी आलू, मटर की सब्जी, ये भाकरी जैसी दिखने वाली रोटी, सेवई, चटनी भी है क्या? अरे ये चटनी भी है, और ये मम्मी है। डू खा क्यों नहीं रहे हो? सैंडविच चाहिए। मैं आया हूँ डू के लिए, सैंडविच लेने के लिए। भैया और फ्रेंड्स, अभी हमारा जो ऑर्डर है वो रेडी हो रहा है, और ये हमारा सैंडविच है। हैप्पी तो गाइज, ये है हमारा साई आश्रम भक्त निवास। चलो चलो। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच चुके हैं साई आश्रम। मैंने काउंटर से ये रिसिप्ट ले लिया है, तो चलिए अभी हम जाते हैं रूम में, कि हमें मिल चुका है हमारे रूम की चाबी, ये हमारी ट्रॉली। अभी मैं हूँ शिरडी में, जो कि है साईं बाबा की धरती, और ये दूसरा दिन है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और पीछे हमारा जो है भक्त निवास है, और काफ़ी अच्छा भक्त निवास है, मैं आपको उसका टूर कराता हूँ। और गाइस, और हाँ, तो गाइस, और अभी हमको मैसेज आया अपने मेल पे कि हमारा मोनेटाइजेशन जो है यूट्यूब का वो स्टार्ट हो चुका है, और बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पर आके शिरडी में आकर ये मालूम चला तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए मैं आपको अंदर का टूर कराता हूँ, और काफ़ी अच्छा भक्त निवास है, अगर आपको यहाँ रहना है तो यहाँ भी आप रह सकते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो गाइज, गेट के बाहर ही आपको नाश्ते के काउंटर मिल जाएंगे, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में सब अवेलेबल है यहाँ पर, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो। और ये हमारा साई आश्रम भक्त निवास है, नज़ारा है आप देख सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। गाइज, अगर आप यहाँ आते हैं तो सामान के लिए यहाँ पर ट्रॉली भी है, तो यहाँ से गेट से आप उसको ले लीजिए। मैं खड़ा हूँ अभी अंदर गेट के, और मैं पीछे देख सकते हैं आप, काफ़ी सुंदर ये नज़ारा है। डुगो कैसा लग रहा है? और डुगो को काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पर। हाँ, ठंड लग रही है। और अभी हम थोड़ा सुरक्षित तरफ जाएंगे। तो गाइज, अभी मैं जा रहा हूँ रिसेप्शन की तरफ। गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पार्किंग है काफ़ी सुंदर है। ये यहाँ की रिसेप्शन बिल्डिंग है, स्वागत कक्ष है, और ये है स्वागत कक्ष, और इसके साइड में ही क्लॉक रूम भी है।
साई जी, और वेटिंग हॉल है ये। काफ़ी बड़ा पूरा अरेंजमेंट है और यहाँ पर देख सकते हैं आप स्क्रीन लगे हुए हैं। और अगर आपने ऑनलाइन यहाँ पर कराया हुआ है तो काउंटर नंबर 10 से आप अपना जो है रिसिप्ट ले सकते हैं। बाकी जो है कैश काउंटर भी है यहाँ पर। और अभी हम चलते हैं हमारे रूम की तरफ। यहाँ पर ए बी सी डी एफ जी एच तक के अल्फाबेट्स जो है दिए गए हैं बिल्डिंग को। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पर दूर में हमारा बिल्डिंग ए है। तो गाइज ये हमारा ए ब्लॉक है और आप देख सकते हैं गाइस, ये हमारा ए ब्लॉक है। यहाँ पर लिफ्ट और सीढ़ी दोनों की सुविधा है। अच्छे से तो गाइस मैं अभी सीढ़ी से जा रहा हूँ थर्ड फ्लोर में। तो फ्रेंड्स थर्ड फ्लोर में हमारा रूम है। ये हमारा रूम है, थोड़ा सा मैसी हो गया है। तो काफ़ी बड़ा रूम है और साई जी की यहाँ पर फोटो भी है और सफिशिएंट है 5-6 लोगों के लिए, सफिशिएंट हो जाता है अगर आप रह सके तो। यह यहाँ का बाथरूम, यहाँ पर दो नल है, एक में ठंडा पानी आता है एक में गर्म पानी। यहाँ पर टॉयलेट है और हमने वेस्टर्न टॉयलेट चूज़ किया था। और हमने गाइस देख सकते हैं ये इंडक्शन लाया था ताकि बच्चे के लिए नाश्ता वास्ता होगा, जो है बनाना, खाना बनाना है, खाना बनाना है और चाय वगैरह भी बना सकते हैं यहाँ पर। और इसमें एसी भी है और एसी का जो बटन है यहीं पर फिक्स रहता है। ये पूरा रिमोट है तो ये चालू करना है तो ये यहाँ से चालू हो जाता है, ये चालू हो गया है। यहाँ से टेम्परेचर बढ़ना है तो इस तरह से कुछ है। तो फ्रेंड्स सवेरे सवेरे जो लाइन लगी है उसमें मिलता है नाश्ता यानी कि फूड किट। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये जो फूड पैकेट है उसमें क्या है, क्योंकि इसमें नाश्ता होता है सवेरे का तो उनको लाइन में लग के लेना होता है। कितने का होता है ये? 5 टका। और ये फूड जो पैकेट है वो है 5 रुपए का। और 5 पूरी भी, 5 पूरी मिलता है और सब्जी होगा, सब्जी मिलती है, खड़े मूंग की सब्जी है, हर बार चेंज भी हो सकता है और एक स्वीट भी है। तो इस तरह से नाश्ता रहता है। तो ये पहले डुबू खाएगा, डुबू जल्दी आओ। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं साई मंदिर में साई जी के दर्शन करने के लिए। तो दिखा रहे हैं वो है साई जी, वो देखो पानी दे रहे हैं। दर्शन बाकी जन लोग उतरता गाड़ी समोर डबल गाड़ी पे मोबाइल। तो गाइस यहाँ पर मैं अपना मोबाइल रख दूंगा गाड़ी में क्योंकि अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है। तो चलिए आते हैं दर्शन करने के बाद फिर आपसे बात करते हैं। तो गाइस फाइनली दर्शन हो चुके हैं और ये प्रसाद मिल चुका है हमको। तो गाइस यहाँ से आप फोटो वगैरह ले सकते हैं। हाँ जल्दी आना। हाँ जल्दी आता हूँ। तो गाइस यहाँ से फोटो वगैरह ले सकते हैं।
और जो बाहर जो है नज़ारा काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ही मनभावन लग रहा है। ये है रूपा, बच्चे लोग हैं, मई पापा लोग हैं, मई वो लोग यहाँ बैठे हैं। वो मंदिर है और ये यहाँ के बाहर का नज़ारा है। आई लव साईं बाबा। और यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। गाइस मंदिर के अंदर आप जब जाएंगे दर्शन करने के लिए तो वहाँ पर स्नैक्स वगैरह की भी व्यवस्था है, वो भी आपको यूरिन वगैरह अगर जहाँ फ्रेश होना है तो उसके लिए भी अच्छी व्यवस्था की गई है। तो गाइस कुछ इस तरह से था हमारा साई दर्शन और काफ़ी अच्छा रहा हमको, हम सबको बहुत अच्छा लगा, खासकर मम्मी पापा को। और इस समय तो रश भी नहीं था, हमने हम लोग एकदम इजीली गए और दर्शन हो गया। और हम ऐसे टाइम में आए थे कि बिल्कुल रश नहीं, गए मेरे ख्याल से ये हम अयोध्या में सब अयोध्या में राम मंदिर का जो प्रतिष्ठा था उस कारण से जो गर्दी है वो कम हो गई, तो बहुत इजीली हमको दर्शन हो गया। तो हम दर्शन करके आए हैं तो हमें प्रसाद मिला है और विभूति मिला है। वो जब आप दर्शन करके जाएंगे तब मिलता है, ये बूंदी का प्रसाद है और विभूति है। तो गाइस अभी हम आए हैं साई प्रसादालय, तो चलिए प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रसाद का कूपन ले लिया है और ये बड़ों के लिए 50 और बच्चे के लिए 30 रहता है। तो फ्रेंड्स साइकिल प्रसाद लेके हो चुका है और हमने कूपन ले लिया था, इसमें फ्री में मिल जाता है। यहाँ पर फ्री के प्रसाद में थोड़ा सा एडिशनल है, कांदा यानी कि प्याज दही वगैरह मिल जाता है यहाँ पर, थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट हो जाता है। तो ठीक है, आप दोनों चूज कर ले सकते हैं अपने हिसाब से।